नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे यूपी टेट एग्जाम 2019। जी हाँ दोस्तों, आज आपकी तारीख हो चुकी है 30 दिसंबर 2019 की। दोस्तों हम बड़ी अपडेट्स देखने वाले हैं और सबसे पहले बात करेंगे टुडे ब्रेकिंग न्यूज। जी हाँ दोस्तों, आज की जो भी बड़ी अपडेट्स होंगी दोस्तों उस पर हम डिस्कस करने वाले हैं। और सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे क्या आपका पेपर 19 जनवरी 2020 को होगा। जी हाँ दोस्तों, आपका पेपर की दोस्तों डेट आ रही थी, तीन अलग अलग तारीखें आ रही थी। मतलब एक आपकी 8 तारीख आ रही थी दोस्तों, एक 11 और एक 19। देखिए दोस्तों, आपको 8 तारीख को संडे नहीं पड़ रहा है, 11 को भी संडे नहीं है, तो दोस्तों ये 2 तारीखों में आपका पेपर होना काफी मुश्किल है। उसके बाद दोस्तों आपका जो अंतिम तारीख आ रही थी 19 तारीख, क्या इस तारीख को आपका पेपर हो सकता है? तो दोस्तों इस वीडियो में उसको डिस्कस करेंगे। दोस्तों एक और बड़ी अपडेट के साथ हम आए कि दोस्तों क्या केवीएस का आवेदन शुरू हो चुका है? जी हाँ दोस्तों, काफी बच्चों के मैसेजेस आ रहे थे। तो दोस्तों यहाँ पर आपकी पीआरटी की नौकरी आती, मतलब प्राइमरी टीचर, तो ये बहुत ही अच्छी वैकेंसी आने वाली है दोस्तों, तो आप लोग इसकी तैयारी में लग जाइए। जी हाँ, आपकी जितनी भी शिक्षक भर्ती आती, सबसे अच्छी शिक्षक भर्ती आपकी दोस्तों केवीएस की होती है। इसमें दोस्तों होता क्या है, ये आपकी सेंट्रल की वैकेंसी और ये कभी रुकती नहीं है। सीटेट ने दोस्तों अपना रिकॉर्ड मेंटेन किया और आपने देखा होगा इस बार सीटेट ने सिर्फ और सिर्फ 19वें दिन रिजल्ट जारी करके दोस्तों दिखा दिया कि भाई सीटेट कुछ भी कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, आपका यूपीटेट का पेपर की डेट भी फाइनल नहीं हो पा रही और सीटेट ने सिर्फ 19 दिन के अंदर 28 लाख बच्चों से ज्यादा जितने आवेदन पेपर में बच्चों ने कर रखा था उसका रिजल्ट जारी कर दिया। जी हाँ दोस्तों, तो ये एक अपने आप में भी रिकॉर्ड है। और दोस्तों सबकी ओएमआर सीट आपने देखा होगा, सब लोग अपनी ओएमआर सीट इंटरनेट से डाउनलोड भी कर सकते थे, मतलब सब कुछ बिल्कुल फेयर था, ठीक है ना, कि जो आपने ओएमआर को बैठी क्विक मार के आए वो सब कुछ इंटरनेट से आप डाउनलोड भी कर सकते थे। तो दोस्तों नई शिक्षक भर्ती 2020 को लेकर जो भी अपडेट्स होंगे हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि कितनी शिक्षक भर्तियां 2020 में आने वाली है, कैसे आप तैयारी करेंगे, तो कैसे आप नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, हम बात करेंगे 8 जनवरी 2020 को पेपर होना मुश्किल हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि देखिए 8 तारीख आपकी बिल्कुल आने वाली है, आज आपकी 30 तारीख तो हो चुकी है, तो उस पर भी हम डिस्कस करने वाले हैं। और सबसे पहले हम आपको बता दें, आपको न्यू एडमिट कार्ड डाउनलोड करना पड़ेगा। जी हाँ, अगर आपने पहले एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया था तो उससे कुछ होने वाला नहीं है, तो आपको अब नया एडमिट कार्ड डाउनलोड करना पड़ेगा। पूरी अपडेट क्या दोस्तों उसको हम देखेंगे नीचे यहाँ पर। और अगर अभी आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की हर एक नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि वो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दोस्तों पाते रहें। देखिए दोस्तों, पूरी अपडेट हम देखते हैं और उससे पहले एक और चीज बात करेंगे कि पेपर की तैयारी आपको कैसे करना है। जी हाँ दोस्तों, आज दो बड़ी अपडेट के साथ आए, नए शिक्षक भर्ती और केवीएस के आवेदन को लेकर, क्योंकि दोस्तों ये वैकेंसी आपकी बहुत ही तेजी से क्लियर हो जाएगी। अगर कोई यूपी में वैकेंसी आती भी है तो वो दोस्तों चलती रहेगी और आपके केवीएस में आप तब तक नियुक्ति भी पा चुके होंगे। तो केवीएस को दोस्तों आपको बिल्कुल इग्नोर नहीं करना, सबसे अच्छी वैकेंसी आपके लिए केवीएस की ही होने वाली है। चलिए पहले पूरी अपडेट को देखते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपी टेट 2019। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट की नई तारीख को लेकर आधिकारिक पुष्टि कर दी गई है। ये परीक्षा दोस्तों आपकी जनवरी 2020 में ही ली जाएगी। तो दोस्तों ये एक बड़ी अपडेट आपके लिए कह सकते हैं, क्योंकि आपका पेपर जनवरी में ही होगा, ठीक है ना, साफ है दोस्तों यहाँ कहने से कि आपका पेपर जनवरी के ना तो पहले होगा ना तो बाद में, तो अच्छी बात है दोस्तों ये। उसके बाद दोस्तों गौरतलब है कि ये परीक्षा 22 दिसंबर 2019 को आयोजित की जाने वाली थी लेकिन आयोजित नहीं हो पाई, लेकिन उत्तर प्रदेश समेत देश भर में नागरिकता कानून सिटीजन एक्ट 2019 CAA को लेकर चल रहे विरोध प्रदर्शनों और बाधित इंटरनेट सेवाओं के कारण इस परीक्षा को स्थगित कर दिया गया था। तब से ही लाखों उम्मीदवारों के मन में ये उत्सुकता है कि अब परीक्षा की नई तारीख क्या होगी। इस संबंध में परीक्षा नियामक मतलब अधिकारी के सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी ने, ठीक दोस्तों, एनडीटीवी से बातचीत में जानकारी दी है कि दिसंबर अब खत्म हो रहा है, इस वक्त परीक्षा लेना असंभव है, अब परीक्षा जनवरी माह में ही ली जाएगी। उन्होंने भी ये भी कहा कि यूपीटेट 2019 की नई तारीख कुछ ही दिनों में जारी कर दी जाएगी, बेसिक शिक्षा बोर्ड इसकी तैयारियों में जुटा है। अब दोस्तों एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं कर पाए तो क्या होगा? जी हाँ दोस्तों, इसको देखते हैं, काफी बच्चों के मन में सबसे ज्यादा यही सवाल आ रहा, डाउट आ रहा मन में, क्या हम तो एडमिट कार्ड डाउनलोड ही नहीं कर पाए, मतलब काफी जगह इंटरनेट बैन था, आपने सुना होगा बंद हो गया था, तो क्या होगा? देखिए, नागरिकता कानून पर विरोध प्रदर्शनों के बीच जगह जगह इंटरनेट सेवाएं बाधित होने से कई अभ्यर्थी अपना एडमिट कार्ड भी डाउनलोड नहीं कर पाए थे, लेकिन उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है, नई तारीख जारी होने के बाद विभाग फिर से नए एडमिट कार्ड जारी करेगा। जी हाँ दोस्तों, इस लाइन को फिर से सुनिए जरा, नई तारीख जारी होने के बाद विभाग फिर से नए एडमिट कार्ड जारी करेगा। जी हाँ दोस्तों,
सबसे पहले हमने आपको कल अपडेट दे दी है, तो आप लोग को नया एडमिट कार्ड दोस्तों फिर से आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। देखिए दिक्कत क्या आएगी ना, जो आपका पुराना एडमिट कार्ड है दोस्तों वहां पर डेट मेंशन की गई है 22 दिसंबर को लेकर। अब जब आपका पेपर होगा अगली तारीख, मान लेते अगर 8 तारीख को ही होता है या 11 को होता है या कि 19 को होता है, तो दोस्तों वहां पर कम से कम ये तारीखें लिखी होंगी, तो आप समझ के चल रहे होंगे कम से कम 10 से 12 दिन। आपको हम बता दें कि आपको दोस्तों जब पेपर 22 दिसंबर को होने वाला था, समझिए पहले इसको, आपका एडमिट कार्ड कब जारी किया गया था कुछ पता है आपको डेट? दोस्तों हम बता रहे हैं वो तारीख आपकी थी 12 दिसंबर, मतलब दोस्तों 12 से 22 मतलब 10 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड पहले मतलब जारी कर दिया गया था कि सभी बच्चे इसको डाउनलोड कर सकें। देखिए यूपीटेट का पेपर कोई छोटा मोटा पेपर नहीं है, 16,45,000 दोस्तों बच्चे यहाँ पर भी पेपर देंगे, तो मतलब एक दिन में 1,00,000 बच्चे तो कम से कम अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे। तो अगर आपको अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए दोस्तों कमेंट बॉक्स में उसके लिए नया वीडियो नया लिंक दे देंगे, न्यू लिंक, जी हाँ दोस्तों, से आप चेक करते रहिए, जैसे आपका एडमिट कार्ड आएगा सबसे पहले आप उसको डाउनलोड कर सकेंगे। तो इस बात को समझिए, तो जब 10 दिन दोस्तों पहले आपको यहाँ बताया गया था, तो आज से क्या आपके पास 10 दिन बचे हैं 8 तारीख के लिए। देखिए सिंपल सी बात है, अगर आप 30 तारीख है तो हम 10 दिन बाद 8 तारीख से तो ज्यादा ही हो जाएगा, इसलिए दोस्तों हम आपसे बता रहे हैं कि आपका जो पेपर है वो 8 को होना अब मुश्किल हो रहा है धीरे धीरे। देखिए पूरी अपडेट को पहले देख लेते हैं, सभी उम्मीदवारों के लिए वह एडमिट कार्ड डाउनलोड करना अनिवार्य होगा, ठीक है सभी के लिए। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 22 दिसंबर को पहली पाली में सुबह 10 बजे से लेकर 12:30 बजे तक प्राथमिक स्तर कक्षा 1 से लेकर 5 तक, और दोपहर 2:30 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक दूसरी पाली में उच्च प्राथमिक स्तर कक्षा 6 से लेकर 8 के लिए परीक्षा होनी थी। प्राथमिक स्तर के लिए 10,83,016 और उच्च प्राथमिक स्तर के लिए 5,73,322 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया, यानी कुल 16,56,338 अभ्यर्थियों ने यूपीटेट 2019 के लिए आवेदन किया है। तो दोस्तों आपने ये देखा कि कितने बच्चों ने आवेदन कर रखा है, कैसे क्या होगा। तो सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है कि आप एडमिट कार्ड को डाउनलोड करना बिल्कुल मत भूलिएगा, नहीं तो आपसे बहुत बड़ी गलती हो जाएगी, क्योंकि जब आपकी नई तारीख आएगी दोस्तों तो आपका नया एडमिट कार्ड भी होगा, क्योंकि आप पेपर जाएंगे एग्जामिनेशन सेंटर जाएंगे तो आपके पास तारीख तो होनी चाहिए ना कि हम किस तारीख को पेपर देने जा रहे हैं। ऐसा तो है नहीं 22 तारीख वाला आप उठाकर चले जाए, फिर दोस्तों वहां आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। देखिए एक और आपके मन में सवाल आएगा कि जब नया एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा, मतलब ठीक है ना जारी होगा, तो क्या आपका नया परीक्षा केंद्र या न्यू सेंटर भी आएगा? देखिए दोस्तों जो आपके सॉफ्टवेयर्स होते हैं ना, वहां पर आप सब कुछ एडिट करके नहीं, कुछ ज्यादा नहीं किया जाता, वहां सिर्फ वो एडिट इतना कर देंगे जहां दोस्तों वो 22 तारीख लिखी थी 22 दिसंबर ना, अब जिस दिन आपका पेपर होगा मान लेते 19 जनवरी को होगा, तो 19 तारीख वहां मेंशन कर देंगे और इंटर पर क्लिक कर देंगे, बस 19 वाला डाउनलोड हो जाएगा। परीक्षा केंद्र में बदलाव नहीं किया जाएगा, कोई जरूरत भी नहीं है, क्योंकि आवेदन उतने ही है, बच्चों की संख्या उतनी ही है, सब कुछ उतने है, तो मुश्किल है काफी ज्यादा परीक्षा केंद्र बदलना। और अगर चाहे तो दोस्तों किया भी जा सकता है, ऐसा मत सोचिए कि पॉसिबल नहीं है, कर सकते हैं, लेकिन हमें नहीं लगता कि कोई ऐसी जरूरत है कि आपको परीक्षा केंद्र को बदला जाए। तो अब हम बात कर रहे थे केवीएस के लिए, क्या आवेदन आपके शुरू हो चुके हैं, कब से होंगे, कैसे क्या होगा। देखिए सबसे पहले हम बता रहे हैं नई शिक्षक भर्ती 2020 को लेकर जो अपडेट आ रही है, ठीक है पहले इसको समझिए। अगर दोस्तों ये आपकी केवीएस या सेंट्रल में कोई वैकेंसी आती है प्राइमरी लेवल पर या किसी भी लेवल पर, तो आपके लिए ये ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज होगी। अगर यूपी में दोस्तों कोई वैकेंसी आती है, कहीं उत्तर प्रदेश में कोई वैकेंसी आती है, तो उसका मतलब क्या होता है ना, यहाँ पर मामला कोर्ट में चला जाता है और काफी लंबे समय तक आप देख रहे होंगे कोर्ट केस में चक्कर आप लगाते रह जाएंगे। लेकिन दोस्तों यही मामला जब केवीएस की वैकेंसी आएगी तो ये बहुत ही तेजी से दोस्तों हो सकता है कि विद इन 2 से 3 महीने या 5 से 6 महीने के अंदर अप टू 6 मंथ में दोस्तों आपको नौकरी और नियुक्ति पत्र मिल जाएगा और आप लोग नौकरी शुरू कर देंगे। लेकिन दोस्तों अगर आप यूपी में रहेंगे, देखिए हम बता दें यूपी के रिकॉर्ड अभी आपको पता होगा 69,000 शिक्षक भर्ती, जी हाँ दोस्तों पिछले 1 साल हो गया अभी तक दोस्तों ये मामला कोर्ट में चल रहा है, और दोस्तों अभी ना इसका कोई और ना कोई छोर, खाली ये मामला चलता जा रहा है। और आपको बता दें ठंड की छुट्टी भी हो गई है 69,000 शिक्षक भर्ती में, अब दोस्तों इसकी सुनवाई जनवरी के लास्ट या फरवरी में शुरू होगी। अब बताइए 1 साल से ज्यादा समय से बच्चे परेशान है, कुछ नहीं हो रहा है। तो वही बात दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं कि यार अगर आपका केवीएस का आवेदन आए, सबसे पहले आप सब कुछ छोड़कर केवीएस में जुट जाइए, क्योंकि दोस्तों या तो नौकरी मिलेगी या तो नहीं मिलेगी, ये आपको 6 महीने के अंदर क्लियर हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों अगर आपके अच्छे नंबर होगा तो आप डेफिनेटली स्कोर करके नौकरी ले सकते हैं। देखिए केवीएस का पेपर जो आपका होगा वो बहुत ही कठिन नहीं होगा, अंदाजा भी आपने देखा दोस्तों जो सीटेट का रिजल्ट आया था 22.55% समथिंग आया ना, अगर दोस्तों इतना रिजल्ट आता है तो मतलब साफ है कि इसमें दोस्तों वो बच्चे हैं जो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों दे रखे थे, तो आप इसे एक अंदाजा लगा सकते हैं। अंदाजे दोस्तों आपसे ये लगेगा कि यार बच्चों की संख्या बहुत ही कम होती है, खाली देखने में लगता है कि ऑल इंडिया लेवल की वैकेंसी है ऐसा वैसा,
लेकिन अगर आप तैयारी में जुट जाएंगे तो दोस्तों ये बहुत ही आसानी से आप इसको क्लियर कर सकते हैं। फिर हम आपसे कहेंगे कि केवीएस का दोस्तों जो पेपर होगा, जो कुछ होगा दोस्तों, वो बहुत ही सही होगा और कम से कम समय में आपको नौकरी मिलेगी। और किसी भी शिक्षक भर्ती के लिए आप परेशान मत होइए, केवीएस के लिए लगेंगे तो जल्द से जल्द नौकरी पाएंगे और अच्छी नौकरी पाएंगे। देखिए पेपर की तैयारी आप कैसे कर सकते हैं, अगर आप यूपी टेट की तैयारी कुछ भी नहीं कर रखे तो क्या करें। ये बात हमने आपको पहले बताया कि सीटेट का पेपर अच्छा नहीं हुआ तो फिर हम क्या कर सकते हैं, सीटेट में अगर आप पास नहीं हो पाए तो क्या करना चाहिए। देखिए आपने जहां गलती की है, सीटेट में दोस्तों आपको जो नंबर मिलता है सब्जेक्ट वाइज वहां मिला होगा, तो आप देखिए कि किस सब्जेक्ट में आपके नंबर सबसे ज्यादा कम है तो उसको इम्प्रूव करिए। दोस्तों समय है आपके पास पर्याप्त, अभी अगर आप चाहेंगे तो एक दिन में दोस्तों अगर हम आपको चलिए 5 वीडियो की लिंक देते हैं उसको जरूर देख लीजिएगा, भले दोस्तों आप जितना पढ़ रखें लेकिन 5 वीडियो में दोस्तों अच्छे क्वेश्चन है तो एक बार उसको देख लीजिएगा पेपर से पहले, तो आपके लिए फायदेमंद होगा। उसको हम कमेंट बॉक्स में दोस्तों दे देंगे, जिसमें दोस्तों आपका हिंदी, बाल विकास, पर्यावरण अध्ययन, गणित और संस्कृत सभी सब्जेक्ट्स होंगे, उसको देखिएगा जरूर। तो दोस्तों बाकी के जो अपडेट्स आएंगे हम आपको अपडेट करते रहेंगे। फिलहाल जो नए शिक्षक भर्ती 2020 में आएगी दोस्तों, उसके नए नियम होंगे, नए तरीके से दोस्तों आपकी मेरिट बनेगी, तो सब कुछ आपको ध्यान में रखना, और यूपी टेट का 1/4 वाला जो नियम है ना उसको ध्यान में रखकर पढ़ाई करेंगे, तभी आप एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अगर आपको सिर्फ पासिंग मार्क लाने की सोच रहे हैं, क्या चलो 82 नंबर या 90 नंबर ले आएंगे तो हम तीर मार देंगे, दोस्तों आप सिर्फ पासिंग मार्क लाकर नौकरी नहीं पा पाएंगे, पास जरूर हो जाएंगे, दिखाने के लिए आपके पास एक सर्टिफिकेट हो जाएगा कि हमारे पास यूपी टेट का एक सर्टिफिकेट है, लेकिन उससे आपको फायदा कुछ नहीं मिलेगा। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं 2 घंटे दोस्तों रोज, तो समय बढ़ाकर 4 कर दीजिए। देखिए समय ठंड का माहौल है तो पढ़ाई अच्छी हो सकती है, अगर आप चाहें तो घर में बैठे ही रहना पढ़ने के लिए, तो कोशिश करिए और अच्छी पढ़ाई करिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड।